अस्सलामुअलैकुम मिर्ज़ा नईम, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो बेसिकली मैंने एक वीडियो डेली ऑफिस रूटीन से रिलेटेड मैंने अपलोड की थी, तो उसके ऊपर काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, नईम भाई आपने डिटेल में कुछ बताया नहीं है, सैलरी पैकेज क्या चल रहा है सऊदी अरेबिया में, और किस क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो ऑब्वियसली हर एक का क्वेश्चन ये होगा, भाई आप किस टेक्नोलॉजी पर काम कर और यहाँ पर वैकेंसीज किस चीज़ की निकलती है। ठीक है, अब मैंने सोचा उसकी एक वीडियो बना लेता हूँ। अभी करेंटली मैं बेसिकली खाने के लिए जा रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट में, मैं कहा जाते हुए वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि टाइम निकालना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि नहीं भाई हमें सऊदीया मूव करना चाहिए या यूएई वाली साइड पर जाना चाहिए या बंदा यूरोप वाली साइड पर चला जाए। तो सबसे पहले तो मैं इसका जवाब का आंसर देता हूँ, सऊदीया से बेहतर यूएई है और यूएई से बेहतर ऑब्वियसली यूरोप है, और यूरोप से बेहतर यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए। ठीक हो गया। अच्छा, सऊदीया मैं क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट सऊदीज को ज़्यादा प्रेफर करती है जॉब के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सऊदीलाइजेशन इशू बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, हर कंपनी में सऊदीज को ज़्यादा रखा जा रहा है, और ये मत सोचिएगा कि सऊदीज डेवलपर नहीं होते, ठीक है, वो सिर्फ शेख होते हैं और पैसा खर्च करते हैं। सऊदीज के पास, सऊदी यहाँ पे डेवलपर्स भी हैं, आईओएस डेवलपर्स भी हैं, वेब डेवलपर भी हैं, डाटा साइंटिस्ट भी हैं, ठीक है, और माशाल्लाह बहुत आला किस्म का नॉलेज रखते हैं। ठीक है, और सारे ही सारे यूरोप से या यूएसए पढ़ के आए होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी में सीन ही होता है, 60% सऊदीज को रखा जाता है, 40% आप खारजियों को रख सकते हो, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ के बंदों को रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ये। दूसरा, यहाँ पे किस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा, जो मैंने सर्च किया है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, डाटा साइंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब है। ठीक है, ये जो वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट है, इसमें जॉब्स हैं लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले सीन क्या है, अब मैं अपने अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं, तो मैं यहाँ पे कोई आज़ाद वीज़े पे नहीं आया था, मैंने किसी कंपनी में कोई अप्लाई नहीं किया। ठीक है, यहाँ आकर कोई अप्लाई नहीं किया, मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में सऊदी कंपनी के साथ अलाइन था, मैं उनके साथ वर्किंग कर रहा था, मैंने 3 माह वर्किंग की है, उसके बाद उन्होंने कहा आप सऊदी आ जाओ, मैं मूव ऑन हो गया क्योंकि मुझे शौक़ था बाहर जाने का। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। सबसे ज़्यादा मुझे इशू फेस करना पड़ा है वो है लैंग्वेज पे। ठीक है, यहाँ पे भी जाओ सारे ही अरबी में बात करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, हाँ ये है कि अगर पाकिस्तानी इंडियन कोई रेस्टोरेंट मिलता है तो ऑब्वियसली फिर उर्दू में बात हो सकती है किसी बंगाली के साथ, लेकिन ये है कि हाँ ऑफिस में ऑब्वियसली ऑफिस में तो इंग्लिश वाला ही माहौल होता है और इंग्लिश में ही बात होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद, अब मेरा साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि आलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया, तो आगे एक्सटेंशन वाला का कोई सीन नहीं है। ठीक है, उन्होंने साफ कह दिया प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब आप जा सकते हैं। अब मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और मैं उसको 2 साल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कि मैंने 1 साल पाकिस्तान में काम किया हुआ। ठीक है, 2 साल में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं सीवी के अंदर मेंशन कर सकता हूँ मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। और पहले मैं आपको बता दूँ मैं काम क्या कर रहा था, मैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहा था रिएक्ट में। ठीक है, और बैक एंड में लारावेल पे काम कर रहा था पीएचपी में। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं अपनी सीवी के अंदर मैंशन कर सकता हूँ कि मैंने सऊदी कंपनी के साथ काम किया है 2 साल। अब मिसाल के तौर पर आप लोग आते हो यहाँ पर सऊदीया में और आते हो आज़ाद वीज़े में। ठीक है, और ऑब्वियसली आप मेंशन करोगे मैंने पाकिस्तान में कुछ 6 साल काम किया, लेकिन वो प्रेफर नहीं करेंगे, आपका इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ही होगा सऊदी कंपनी में आपने काम किया है, आपका कोई एक्सपीरियंस है सऊदी मार्केट से रिलेटेड, आपने कहना नहीं, उन्होंने ऑब्वियसली प्रेफर उसको करना जिसका 6 माह या 1 साल का भी एक्सपीरियंस हो ना सऊदी में, सऊदीया में, तो उन्होंने उसको प्रेफर करना, आपको नहीं प्रेफर करना, ना उन्होंने ये देखना है कि आपको काम कितना आता है, और ना ही उन्होंने ये देखना है कि आपका पाकिस्तान में या इंडिया में तो बांग्लादेश में या नेपाल में कितना एक्सपीरियंस था। ये होगी बात क्लियर। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग अगर आज़ाद वीज़ा पे सऊदीया आना है ना, उससे बेहतर आप कहीं और चले जाओ, इतने पैसे आपने खर्च करके सऊदीया आना है ना, उससे लाख दर्जे बेहतर है कि आप किसी स्टडी के लिए कहीं पर मूव ऑन हो जाए।
ठीक है, वहाँ कम से कम आप अर्न तो कर सकते हो पार्ट टाइम कोई जॉब करके, ठीक है, और साथ साथ स्टडी भी चलती रहेगी। ओब्वियसली जब स्टडी कंप्लीट होगी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छा जी, ये सारी बातें होगी क्लियर। अब कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट थे वो थी सैलरी पैकेज क्या है। या सैलरी पैकेज डिपेंड करता है, वेरी करता है आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, ठीक है, और किस तरह की कंपनी, ठीक है। अगर मैं खुद अपना बताऊं, ठीक है, मेरी सैलरी पाकिस्तान में कुछ और थी, ठीक है, जब मैं सऊदी आया मुझे जो बताई गई थी वो भी नहीं मिली, यानी कि 500 रियाल मुझे कम किए, 750 रियाल मुझे कम किए गए 3 माह तक, ठीक है। उसके बाद भी यानी कि मुझे तकरीबन 250 रियाल नहीं मिल रहा मंथली बेसिस पर। तो यानी कि यह कंपनी की तरफ से जो चीज़ें अलाउंस जो सा वो उन्होंने मैनेज कर दिया उसके अंदर मेरी अकोमोडेशन, ठीक है, या तो आप अलाउंस खुद अगर कर सकते हो, अकोमोडेशन खुद ले सकते हो तो आप अलाउंस ले लो, फिर उस हिसाब से आपका जो मंथली अलाउंस मिलेगा उस हिसाब से आप उसको अपनी अकोमोडेशन को मैनेज कर सकते हो। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा यार, कंपनी की तरफ से जो मिलती है वही बेहतर है, वही ले लो, ठीक है, ज़्यादा इश्यूज़ भी नहीं होंगे क्योंकि बिजली का बिल वगैरह ये सारी चीज़ कंपनी देखती है, ठीक है। आपको अगर अपनी अकोमोडेशन लेनी है फिर बिजली का बिल भी आपने खुद देखना, वैसे बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है सैलरी। सैलरी जो मिनिमम स्टार्ट हो रही है वो 3500 से स्टार्ट हो रही है, 3500 रियाल से स्टार्ट होती है जो मैंने देखा है, यानी कि अगर कोई जूनियर डेवलपर है, ठीक है, और मैक्सिमम यार 10,000 तक ले जाओ आप, ठीक है, और डिपेंड करता है कि मतलब कि कंपनी, अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, आप वर्किंग बड़ी अच्छी कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर वो इंक्रीमेंट भी आपका साल के बाद बड़ा हैंडसम अमाउंट करती है, ठीक है। मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो रहा है, उन्होंने तो हमें निकाल ही दिया है, तो वो आप छोड़ो। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम ढूंढेंगे कोई जॉब, अगर कोई मतलब कि देखेंगे किस तरह, वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह मतलब कि फाइंड कर सकते हो जॉब, वो आ जाएगा इधर लिंक, वो आप जाके देख सकते हो कि सऊदी में कैसे। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा यार, आज़ादगी से आने से बेहतर है जो पैसे आपने वहाँ पर लगा लेंगे आप कहीं पर कर, ठीक हो गया। और अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, ठीक है, वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा, लिंकडिन पे आके मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मैं फ़ौरन रिप्लाई कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या आप चाह रहे हो कि मतलब कि नहीं भाई इस चीज़ से रिलेटेड भी कोई वीडियो बना दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।